तो फ्रेंड्स, 2 महीना यूज करने के बाद आज हम सैमसंग गैलेक्सी F12 को फुल रिव्यू देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए और दोस्तों लेना चाहिए तो फिर किसको लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो मैं आपको पूरा फुल बताने वाला हूँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल चेरी में। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप छोटा फ़ोन यूज करते हैं, दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये फ़ोन काफ़ी बल्की लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका साइज काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, आप धूप में यूज करते हैं तो दोस्तों एप्लीकेशन से ज़्यादा आपका चेहरा स्क्रीन पर काफ़ी नज़र आने वाला है। दोस्तों, इसकी कैमरा की बात करें यानी दोस्तों रियर कैमरा की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट रियर कैमरा दोस्तों 48 मेगापिक्सल का है और दोस्तों टोटल इसमें दोस्तों 4 कैमरा अवेलेबल है। अगर आप दोस्तों रियर कैमरा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो दोस्तों पूरा फुल HD में आपका फ़ोटो आने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फ्रंट कैमरा दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का है। अगर दोस्तों आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेना चाहते हैं तो दोस्तों सेल्फी लेंगे बहुत बढ़िया सेल्फी आएगी। दोस्तों आपका पूरा चेहरा का दोस्तों पिंपल खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है पूरा बहुत बढ़िया से सेल्फी लेता है। आपको दोस्तों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, इसका चार्जर और डाटा केबल आप देख रहे हैं। दोस्तों, यही फोन में दोस्तों फास्ट चार्जिंग इसमें दिया गया है। दोस्तों, चार्जर की बात करी तो दोस्तों 15 वाट का इसमें चार्जर दिया गया है, लेकिन दोस्तों यह फास्ट काम नहीं करता है। दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट से लेकर 3 घंटा में दोस्तों पूरा फुल मोबाइल को चार्ज करता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैंने लिया तो उसमें लिखा था कि फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है और दोस्तों इसमें चार्जर पर भी लिख रहा है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग। अगर आप फोन को चार्ज करेंगे तो लिखेगा दोस्तों फास्ट चार्जिंग, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि दोस्तों इसमें 2.5 से 3 घंटा दोस्तों इसका चार्ज करने में लगता है। दोस्तों, इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों 6000 mAh की इसकी दोस्तों बैटरी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंटिन्यू नेट का यूज कीजिएगा तो दोस्तों 14 से 15 घंटा इसका दोस्तों बैटरी बैकअप रहने वाला है। अगर दोस्तों आप सिर्फ कॉल पे बात कीजिएगा तो दोस्तों 18 से 20 घंटा दोस्तों इसका बैटरी रहने वाला है। दोस्तों, बैटरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों इसका मैं 2 महीना यूज करने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F12 की दोस्तों सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों सिक्योरिटी काफ़ी इसमें तगड़ा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट काफ़ी तेज़ी में काम करता है। और दोस्तों फेस लॉक की बात करें तो 4 से 5 सेकंड का टाइम लेता है आपका फेस लॉक दोस्तों, और दोस्तों पैटर्न काफ़ी तेज़ी में काम करता है। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन में दोस्तों सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इस फोन में दोस्तों ऐप का दोस्तों सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इसकी प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो एडिटिंग का काम इसी फ़ोन से करता हूं। दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो दोस्तों गेम इसमें कोई भी गेम दोस्तों आप स्मूथली चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जा रहा है। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन शॉट लेने की बात करें तो दोस्तों आपके स्क्रीन शॉट लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑफ ऑन बटन का यूज करना होगा और दोस्तों वॉल्यूम बटन का साथ में यूज करके दोस्तों स्क्रीन शॉट लेना पड़ रहा है। दोस्तों, इसमें 3 फिंगर स्क्रीन शॉट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अगर आपका बजट अंडर 10,000 का है तो दोस्तों यह फ़ोन काफ़ी बेटर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बैटरी बैकअप और दोस्तों कैमरा है वह काफ़ी हद तक ठीक है। दोस्तों, इस फ़ोन में 4 GB RAM और दोस्तों 64 GB स्टोरेज दोस्तों दिया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।